मेरा चांद लुक्या हंडे आरो घूंघट की ओट में मेरा। Hey guys, welcome back to my channel. आज है संडे एंड as you know संडे को सब घर पे होते, तो मैं भी हूँ। अभी अराउंड हुआ है 8 o'clock, तो अभी जस्ट हाफ एन आवर पहले मैं उठी हूँ। अभी जस्ट फ्रेशन अप हुई हूँ एंड अभी मैं बालों में ऑयलिंग करने जा रही हूँ। वैसे तो ऑयलिंग की वीडियो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, है ना। तो बस ऑयलिंग करूँगी, उसके बाद नहाऊँगी एंड फ्रेशन अप तो हो चुकी, उसके बाद फिर आपसे आराम से बात करती हूँ। चलिए आज का डे स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले गुड मॉर्निंग, सबसे पहले कहाँ बोल रहे हो, सबसे बाद में बोल रही हूँ। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस नहाना हो गया है, सर वॉश कर लिया है, ऑयलिंग की थी, अभी अराउंड हो रहे हैं 10:30 एंड सो गाइस क्या है, मैंने सुना है कुछ लोग मेंटेलिटी रखते हैं कि अगर आप डेली सर वॉश करेंगे तो बाल खराब हो जाते हैं। आपके यहाँ पे भी बोलते हैं क्या सब आपको ऐसा कि डेली सर वॉश करोगे तो बाल खराब हो जाएंगे? मेरे को नहीं पता। मैं डेली सर वॉश करूँ अराउंड 7-6 ईयर से, मुझे नहीं पता। मैं लोगों को बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रही हूँ कि जो ऐसा बोलते हैं कि बाल खराब हो जाते होंगे मे बी, बट मेरे नहीं होते। हाँ एक चीज़ ज़रूर होता है, एक चीज़ लॉस होता है डेली सर वॉश करने से, कि आपका जो नेचुरल ऑयल होता है बालों का वो रिड्यूस होने लगता है। तो आप प्रॉपर ऑयलिंग कीजिए, वीक में एटलीस्ट 1 टाइम ज़रूर कीजिए। बाकी इसके अलावा कुछ होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आई डोंट नो, मुझे शायद कोई साइकोलॉजिकल फॉल्ट समझ लीजिए या कुछ भी है, मुझे आदत है। मतलब लाइक मैं डेली ही सर वॉश करती हूँ, अगर नहीं करती तो मुझे लगता है इचिंग हो रखी है। तो मैं किसी की मॉम डैड या फैमिली मेम्बर या किसी भी यूट्यूबर को यहाँ पर गलत नहीं बोल रही हूँ, मे भी होता होगा भाई, बट मेरे साथ नहीं होता, तो इसलिए मुझे लगता है शायद नहीं होता। तो सब कुछ डन हो चुका है, अभी बस ब्रेकफास्ट ही बचा है। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने क्या पहना है। आज घर पे होते तो सब लोग यही पहनते हैं आलतू फालतू जो, और मुझे तो गर्मी में वो चाहिए होता है जो 2-4-5 साल से मैं पहन रही हूँ, बिल्कुल बेकार हो चुका है। मम्मी बोलती हैं ये कपड़े कब फेंकेंगे, कभी भी नहीं, क्योंकि गर्मी में अच्छे लगते हैं। चलिए दिखाती हूँ, देखो गाइज मेरी मम्मी नजर आ रही है क्या, वो पूछ रही है मैं आ रही हूँ क्या। चलो मैं अभी बनाता हूँ। अब हम लोग लंच कर रहे हैं, लंच रेडी कर दिया था मैंने। मम्मा मेरे लिए भी बनाना। निकू आप बीच में क्यों बोलते हो जब मैं वीडियो बनाती हूँ? मैं अभी तो बना रहा हूँ। तो बोलना नहीं है ना, हाय बोल दो सबको, बोलो हाय। हाय। अभी हम लोग लंच करेंगे आज, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ये भी वीडियो बनाने वाला है। तो अभी आप, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज हमने क्या लंच बनाया है और क्या खाने वाले हैं हम। गाइस लंच रेडी, लंच आ गया है, देखो मम्मी लंच कर रही हैं। और दिखाती हूँ आपको क्या खा रहे हैं हम, क्या बनाया है। दाल, करेले, भिंडी, रायता, चावल, चपाती, सैलेड, वो निक्कू का लंच है और निक्कू भी वीडियो बना रहा है और हम साथ में देख रहे हैं सिम्बा। चलिए करते हैं साथ में, और ये है मम्मा का लंच। चलिए सारा, मैं जरा थोड़ी सी जल्दी से लंच कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अब मुझे पता नहीं कैसा बना है, बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि जब भी मैं घर पे होती हूँ तो लंच मोस्टली मैं मतलब यू नो मैं प्रिपेयर करती हूँ, मैं बनाती हूँ, तो बस यही। और निकू उधर मेरी नकल कर रहा है कंटिन्यू, जैसे मैं बोल रही हूँ वो मोबाइल लेके वैसे ही बातें कर रहा है। चलिए मैं लंच कर लूँ, हंग्री हंग्री। हेलो गाइस, अभी अराउंड हो रखे हैं 6:20 है एंड अभी मैं सो गई थी अराउंड 3 o'clock एंड मैं जस्ट अभी उठी हूँ हाफ एन आवर पहले और मैंने जस्ट चाय पी है एंड अभी बस टाइम टू स्टडी अगेन। उससे पहले बस जस्ट वीडियो ख़त्म करनी थी,
आजकल रूटीन, संडे फन डे कुछ नहीं हुआ, जस्ट वेस्ट. मैं बताती हूँ, एक्चुअली गर्मी हो रखी है, कुछ भी प्लान नहीं कर पाते. आज मेरा और मेरी फ्रेंड का एक्चुअली प्लान था कि हम लोग आज ना मेरठ जाने वाले थे. हम लोगों को शॉपिंग के लिए जाना था, और मैंने उसे बहुत टाइम से कमिट भी करके रखा था कि हम लोग शॉपिंग जाएंगे, और मैं उसे बार बार बोल देती हूँ. एक्चुअली जिस मार्केट में जाना है वहाँ की मुझे थोड़े से नॉलेज है, तो मैं उसे बार बार बोल देती हूँ ओके ओके दिस संडे दिस संडे दिस संडे, बट गर्मी की वजह से मैं जा नहीं पाती हूँ. तो अभी क्या हो रखा है गाइस, वीडियो लास्ट करने से पहले, जस्ट बाय बोलने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी. एक्चुअली मेरी कुछ फ्रेंड्स, मेरे कुछ जानने वाले मुझे, जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे बोलते हैं, यार तेरे को शर्म नहीं आती, तुझे जिम नहीं लगता, तुझे ये नहीं लगता, तुझे वो नहीं लगता. भाई सीरियसली, मुझे वीडियो बनाने में शर्म करनी चाहिए क्यों? मुझे जहाँ तक पर्सनली फील होता है, मुझे ऐसा लगता है शर्म आनी चाहिए कुछ गलत काम करने में. लाइक मैं किसी को गाली दे रही हूँ, मैं चोरी कर रही हूँ, मैं कुछ आई डोंट नो कुछ भी गलत काम कर रही हूँ, तो आई थिंक मुझे शर्म आनी चाहिए. लेकिन वीडियो बनाने में शर्म आनी चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ कि मतलब यार मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए बनाती हूँ बिकॉज मेरा मन करता है, जस्ट एज सिंपल एज दैट. मुझे पसंद है तो मैं ये करती हूँ. अगर आपको जो काम पसंद है आप वो कीजिए, तो उसमें शर्म की क्या बात है? शर्म होनी चाहिए गलत कामों में, राइट? एंड दूसरी बात कि ये मैं थोड़ा सा आई डोंट नो, आपको लगे कि शायद एटीट्यूड है, या यू नो शायद मैं कुछ प्राउडली बोल रही हूँ या कुछ भी, ऐसा ऐसा नहीं है. जस्ट मैं पॉजिटिवली ही बोल रही हूँ, और आप इसे एज ए पॉजिटिव वर्ड लीजिएगा कि गाइज कैमरे के सामने बोलने में गट्स चाहिए. अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करके एक छोटी सी एटलीस्ट 2 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड करके देखिए, कुछ बोल के देखिए, और मुझे उस वीडियो को दोबारा एक बार सुन के ये बताइएगा कि कितनी मिस्टेक होती है. यू कैन बिलीव दिस कि जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपनी बनाई थी तो मैंने 100 से भी ज़्यादा टाइम वीडियो रिकॉर्ड की थी, जो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी. और आप मेरी शुरू की वीडियो देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कितनी मिस्टेक. और आज भी इनफैक्ट जब हम बोलते हैं, कुछ भी हम सोचते हैं ना, तो आप यकीन नहीं मानेंगे आधे से ज़्यादा फ्लश आउट हो जाता है. तो भाई जस्ट इतना ही है कि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ कि मुझे शर्म करनी चाहिए, या ये चैनल बनाने का कोई रीज़न कोई बहुत बड़ा है. नहीं, जस्ट मुझे अच्छा लगता है. मैं जब यूट्यूब देखती थी तो मुझे मन करता था कि मतलब जस्ट मैं भी कुछ करूँ, मतलब मुझे बोलना ये वो अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई मैं कर रही हूँ. सो होप आपको मेरी वीडियो जिनको पसंद आ रही है उनके लिए थैंक यू, एंड जो मेरे क्रिटिक्स हैं उनके लिए लव यू, एंड थैंक यू सो मच. आप ऐसे ही बोलते रहिए, मैं ऐसे ही बनाती रहूँगी बिकॉज मुझे अच्छा लगता है. चलिए गाइज, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए. लव यू ऑल, मिलते दोबारा जल्दी से. बाय.